हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है महाशिवरात्रि और आज हम जाएंगे पूजा करने के लिए। मैं जाऊंगी महादेव मुंडा खूटी वाला और सुबह सुबह उठ करके सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी है नहीं, मम्मी मेरी गांव गई हुई है। मैं, पापा और मेरे भाई हैं घर पे, तो सब कुछ मुझे ही करना है अभी। जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे फटाफट। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर प्रसाद ले जाने के लिए बना रही हूँ। और ये नारियल छिला हुआ नहीं है यार, छिलने में बहुत मेहनत लग रहा है। स्केल से मैं छील रही हूँ तो थक गए छीलते छीलते, पूरा छीलना है। मतलब थोड़ा सा जटा हम छोड़ते हैं, शिव जी का जटा होता है ना, इसलिए नारियल में थोड़ा सा जटा छोड़ा जाता है। और आज के दिन ही शिव और पार्वती का शादी विवाह हुआ था, तो आज हम शिवरात्रि मनाते हैं। आज के दिन शिव की बारात निकलती है, तो जल्दी से ये कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम मंदिर। और चलिए, यहाँ पे नारियल छीलते छीलते मैं आपको स्टोरी सुना दूँ। एक्चुअली में ऐसा मान्यता है, माना जाता है कि जब पार्वती छोटी थी, मतलब जब वो बड़ी हुई, उनको समझ हुआ, उनको शिव से प्रेम हुआ और उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, उसके बाद शिव जी जब प्रसन्न हुए, खुश हुए, फिर उन्होंने कहा कि आप घर जाओ, मैं बारात लेकर आऊँगा। और फाइनली उनकी शादी जब हुई, वो दिन था महाशिवरात्रि। उस दिन हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याएँ जो भी मतलब अपना मनचाहा वर शिव जी से मांग सकती हैं ये पूजा करके, तो मैं तो हर साल ही करती हूँ कि मुझे भी शिव जी जैसा वर मिले। और सुहागने जो होती हैं वो करती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने घर में खुशहाली बनी रहे, इसलिए तो मैं भी करूँगी। और फाइनली ये जो छोटा सा जटा हम छोड़ते हैं शिव जी के लिए, वो मैंने छोड़ दिया है इस नारियल में, बहुत मेहनत से छीला है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर। पहले मैंने घर में पूजा कर लिया है, ये मेरे महादेव। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ गाइस, और मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा है, भीड़ आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नहीं, चार पांच मंदिर है, तो लाइन से सब में लाइन लग करके पूजा करा किया है। लगभग मुझे लग रहा है एक घंटा हो गया मेरा लाइन में लगे लगे। चलिए अब फाइनली मैं जा रही हूँ, अपने स्लीपर्स पहनूंगी, उसके बाद घर जाऊँगी। और मेरा भाई मुझे ड्रॉप करके चला गया है, तो ऑटो लेकर के जाना पड़ेगा। और ये थोड़ी बहुत मार्केटिंग लगी हुई है मंदिर के बाहर में, कि नहीं नहीं पूजा का सामान नहीं लिया तो वो ले सकते हैं। गुब्बारे भी मिल रहे हैं, ये मंदिर मैंने पहले ही दिखाया है, ये शिव जी का मंदिर है ये वाला। और बोला जाता है कि यहाँ पे जो शिव जी शिवलिंग है वो अपने आप से निकला है, मतलब उत्पन्न हुआ है। फाइनली मैं पूजा करके अपने मोहल्ले में आ गई हूँ, एंटर कर लिया है। इतना धूप है, बहुत धूप है, और घर बस पहुँचने वाली हूँ। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और रास्ते में मैंने एक स्लीपर लिया है जो कि मैं दिखाऊंगी पहन करके। बाय।